तो एडवांस एक्सेल और नॉर्मल एक्सेल क्या है, बेसिक एक्सेल। तो एक सिंपल से मेथड है कि जब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस पर पेस्ट करता हूँ, तो क्या होता है 30-20 को रिप्लेस कर देता है। चलिए, अगर पेस्ट स्पेशल में एक ऑपरेशन होता है, यहाँ पे ऑपरेशन में होता है ऐड। अब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, 20 और प्लस 30 50 आएगा और रिजल्ट 50 पेस्ट हो जाएगा। तो ये आपने जान लिया कि फीचर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, फीचर आखिर करता क्या है। दिस इज द बेसिक एक्सरसाइज और मोस्टली इंस्टीट्यूट्स आपको यही कराएगा। लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल समझाएगा इसका ऑफिशियल यूज। जैसे मैं समझाऊंगा तो मैं कैसे समझाऊंगा, उससे पहले आपको समझाऊंगा मैं परसेंटेज। कि अगर आप एक्सेल में 10% 20% लिखते हैं तो आपको परसेंट का सिंबल दीजिएगा तो 20% लिखा जाएगा। अगर आपने 20 लिखा और एंटर मारने के बाद फीस पे परसेंटेज देते हैं तो ये आपका हो जाता है 2000%, क्योंकि एक्सेल में 1=100% होता है। मतलब ये मुझे 12% सैंपल लगाना है तो 0.20 करना पड़ेगा, फिर परसेंट का सैंपल लगाएगा। अब प्रॉब्लम आ गई मेरे पास कि हमारे कलिंग ने हेडिंग दे दिया परसेंटेज और डेटा मुझे दे दिया बहुत सारे। अब मुझे इस डेटा को अपने जो हमारा जो डेटा है जहाँ हमारे जहाँ पे रिपोर्ट्स है वहाँ पे यूज करना है। तो जैसे मान लीजिए 500 का अगर मैं 89% निकालता हूँ परसेंटेज, जैसे नॉर्मल परसेंट सैंपल लगा है, तो मुझे जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन 500 का 89 हो जाएगा इन द नंबर फॉर्मेट, तो फिर क्या होगा, मेरा फॉर्मूला मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइड बाई, मुझे डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, तब जाके रिपोर्ट रिजल्ट सही आएगा। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही पर्सन डेटा नहीं भेजता, मुझे कई सारे लोग डेटा भेजते हैं। अब कुछ लोगों के लिए मुझे क्या करना होगा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, या कुछ लोगों के लिए मुझे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने देखा कि मुझे 100 लोगों में से 95-96 लोग जो है मुझे परसेंटेज फॉर्मेट में भेजते हैं, 3-4 लोग हैं जो कि मुझे इस तरह के नंबर में भेजते हैं। अब 3-4 लोगों के लिए मैं अपना पूरा पैटर्न तो चेंज नहीं करूंगा ना सर। तो मैंने एक तरीका निकाला कि मैं इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूं, कॉपी करने से पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए परसेंटेज सैंपल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ना सर। अगर यहां पे होता 0.89 यहां पे 0.89 तो मैं परसेंटेज सैंपल आसानी से लगा सकता था। अब यही पे हम अपना इस मेथड को यूज करेंगे जो मेथड आपको दिखा। हम क्या करेंगे, एक बगल में 100 लिखेंगे, इस 100 को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ देखिए आ गया डिवाइड, हर नंबर को 100 से डिवाइड कर दिया एंड यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा घंटों का काम बच गया। तो दिस इज द एडवांस मेथड। तो यूज करने का तरीका एडवांस कहलाता है। ऐसा नहीं कि एक्सेल में एडवांस एडवांस फीचर्स होते हैं, फीचर्स सारे सेम है, बेसिक एडवांस सेम है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है जिस भी टॉपिक को उसको सेम कैटेगरी से बनाया है, बट उसका यूज करना, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका उसको बेसिक बनाता है और एडवांस बनाता है। तो ये जो तरीका पहले मैंने बताया आपको सीट वन पे, ये तरीका कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी ट्रेनर आपको समझा देगा। लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया वो समझाएगा जो कि एक ऑफिस में काम किया हुआ है और ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है। राइट, समझ गया मेरा? यस।